आज कर्ज मूवी का एक आइकॉनिक गाना परफॉर्म करने आ रहे हैं वो जिन्हें कोई कर्ज नहीं देता, क्योंकि उन्हें पता है ये उस कर्ज को धीरे धीरे बहुत धीरे चुकाएंगे। प्रेजेंटिंग स्लो मोशन गायक पीयूष पवार। जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी, आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। Thank you.
You are going to be a very wonderful voice in the industry. Believe me, sir. Thank you. पहला गाना जो आपने गाया दर्दे दिल, ये मेरी फिल्म कर्ज का पहला गाना था जो मैंने रिकॉर्ड किया. अच्छा. तो मेरा पहला दिन शूटिंग थी ऋषि कपूर के साथ. तो हम लोग पहली बार काम कर रहे थे तो मुझे कहने लगे कि गाना मैंने सुना है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, डांस डायरेक्टर कहाँ है? मैं बोला इस गाने में डांस डायरेक्टर की क्या ज़रूरत है, डांस तो है नहीं. बोले फिर भी डांस डायरेक्टर होना चाहिए, तुम्हें म्यूजिक की सेंस है क्या? मैं कोशिश करता हूँ. तो ही वॉज वेरी नर्वस कि ये डायरेक्टर जो है मुझे मरवाएगा. तो जब गाना मैंने दिखाया एडिट करके तो उन्होंने इतने प्यार से मुझे जपी डाली, बोला यार आई एम सो सॉरी, आई कुड नेवर इमेजिन दैट यू विल पिक्चराइज दिस सॉन्ग सो ब्यूटीफुली. सारी जिंदगी वो जब भी मिलता रहा आखिर तक मैं उसको यही कहता रहा, चिंटू ऋषि मुझे म्यूजिक की सेंस है. और जो दूसरा गाना दिल दीवाना, इसकी भी एक छोटी सी कहानी. लॉस एंजलिस जाने वाले थे गाने के पिक्चराइजेशन के लिए मंडे को, और ये गाना फ्राइडे को मैंने रिकॉर्ड किया. मैंने सोनू देखो इस गाने में तुम्हारे गले से खून निकलना चाहिए. तो उसने पहले सिंपल गाना गाया, फिर दूसरे ट्रैक में उसने आलाप गाया, फिर तीसरे में उसने दिल दिल जो गाया और टिश्यू लिया और उसमें खून दिखाया मुझे. उस वाकई उसके खून आ गया. तो जब सिंगर इस शिद्दत से गाता है, इतनी फीलिंग से गाता है, तो गाना पिक्चराइज कैसे ना हो. अच्छा ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल. ये सोनू निगम का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग है. जिस दिन पिक्चराइजेशन था लास्ट 2 डेज 3 डेज थे, तो मैंने शाहरुख को कहा कि कल से गाना करते हैं. तो शाहरुख ने मुझे कहा सुभाष जी मैं वापस इंडिया जाना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी जो पत्नी गौरी थी वो प्रेग्नेंट थी. मैंने शाहरुख को कहा शाहरुख मैं ट्राई करूँगा. सुबह 6:30 बजे से और शाम को 6:30 बजे तक ये पूरा गाना मैंने पिक्चराइज किया लॉस एंजलिस में एक दिन में. दो इतने अलग अलग गाने आपने बैक टू बैक गाए, दैट जस्ट शोज आप कितने डिफरेंट टाइप ऑफ गाने गा सकते हो एंड विदाउट इवन टेकिंग अ ब्रेथ. वंडरफुल, आई रियली एंजॉयड इट. थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट. ये दिल वाला जो गाना है, इस गाने में सोनू का बहुत सॉलिड झलक तुम्हारे आवाज में दिखे. क्या बात. भी कर रहे थे आप तो मुझे वो जो आपका स्टाइल कमाल लगा. यू आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिंगर, अमेजिंग अमेजिंग. जोरदार तालियां. ना जाने दिल विच की आया एक प्रेम पया जोगी मैं रमता जोगी हो मैं रमता जोगी हो मैं प्रेम दा प्याला पी आया एक पल में सदियां जी आया मैं प्रेम दा प्याला पी
पल में सदियां जी आया, सारी मधुशाला पी आया, एक पल में सदियां जी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, पी आया, मैं जी आया। मैं रमता जोगी, मैं रमता जोगी, जोगी 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 जोगी, मैं रमता जोगी, ये जागी जग छूटा, हाय जग छूटा जिया बैरागी, ये बात वहां तक ना पहुंची, ये चोट जिया तक ना लगी, हो ये दर्द जुबा तक ना आया, ये तेरे दिल विच की आया, मैं
यार देखो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बुरा तो नहीं मैं लगेगा आपको? नहीं नहीं सर, अच्छा नहीं गाया। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे नहीं, क्योंकि रमता जोगी जो गाना है आपने गाया, उसमें बहुत सी चीजें थी जो कमी रह गई, और कमी ये थी कि उसमें कोई भी कमी नहीं थी। थैंक यू सो मच। नहीं भैया, ये कानपुर का है और कानपुर वाले बोचाल नहीं करते, भोकाल कर देते हैं। ये गाना सुखविंदर ने गाया, और अगर आप इस गाने में नोट करो तो सुखविंदर ने रमता जोगी 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 जो 27 तरीके से गाया है। क्या बात है। लेकिन मैं आपको एक बताऊं, आपने 37 तरीके से गाया। बहुत बहुत आभार। God bless you, or I'm telling you that you are going to be a great singer in this industry also. Thank you. Thank you so much. Din a din dhaan pe to humne ko jhuma diya, wo to hona hi tha, Vaibhav se expected tha, par Ramta Jogi mein tumne apni kalakariyan jo dikhai hai, tumhari capabilities, tumhara full potential, wo dikha diya tumne. Maza. Thank you so much, man. Thank you so much. आपको पता है मैं पिछले 4 एपिसोड नहीं था शायद। मैं क्यों नहीं था पता है आपको? मेरे पीठ में 2 हड्डियां टूटी हुई है मेरे स्पाइन की, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं होती तो मैं उठ के ऐसे नहीं नाचता। मतलब दर्द गया भाड़ में, कोई ऐसा गाए तो और कुछ मैटर ही नहीं करता। थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।